हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथमेश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्नैपचैट को जो अकाउंट होता है वो कैसे डिलीट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्नैपचैट का अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो स्नैपचैट के अकाउंट डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास दो अकाउंट हो सकते हैं। कुछ आपको दिक्कत भी हो सकती है प्राइवेसी रीजंस की, आपको कुछ स्नैपचैट पसंद नहीं है तो आप डिलीट करना चाहते हो, तो यही सीधी सी बात होगी। तो डिलीट कैसे करते हो, तो सबसे पहले आपको स्नैपचैट सेटिंग में जाकर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आई नीड हेल्प, यहाँ पर ये लोडिंग लेगा। इसके बाद इसे इधर टाइप करना है डिलीट माय अकाउंट। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए बोलता है हाउ टू डिलीट, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर रहता है गो टू अकाउंट पोर्टल। इधर ये लिंक दे दिया है, सीधा ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दबा दीजिए अकाउंट पोर्टल पे, और ये देखिए डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। आईडी तो पहले से ही आ गई, सिर्फ पासवर्ड डालना है, पासवर्ड हाइड कर दूँगा। कंटिन्यू हो गया है, स्नैपचैट का अकाउंट डीएक्टिवेट। 30 दिन के बाद यह अकाउंट डिलीट हो जाएगा, सिर्फ लॉगिन नहीं करना है, सभी ऐप्स में ही प्रोसेस होता है 30 दिन का। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। तब तक के लिए जय हिंद।